है जिस तरह बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एमक्यूएम और नून लीग मिल गए तो वो कह रहे हैं सिंध में वजीर आला हमारा आएगा, ये आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या इनके बैक पे कोई है सर जो इनको ये कह रहा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप पावर में आएंगे? इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताज साहब? कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भली करी आया, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान देते हैं वोट तो बिस्मिल्लाह, पहले तो कभी दिए नहीं वोट उन्हें, अब अगर दे दें तो बढ़िया, ठीक है। और सर जो इत्तेहाद पे इत्तेहाद, जिस तरह बाप पार्टी भी नून लीग में चली गई, JUIF भी नून लीग में चली गई, MQM भी नून लीग में चली गई, GDA ने भी नून लीग से इत्तेहाद कर लिया, पगाड़ा साहब ने भी इत्तेहाद कर लिया, तो सिचुएशन सीरियस लग रही है सर आपको इस वक्त? यह इलेक्शन शायद 2018 का ही रिपीट टेलीकास्ट होगा सर? नहीं, किसी ऐसी ग्रुप से इत्तेहाद करना कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा मतलब नून लीग से है, तो आप पता नहीं, मैं दो तीन लोग हैं नून लीग के जिनसे मेरी मुलाकात है जो लेकिन ये कि ज्यादा लोग नहीं है मेरे ख्याल से। बहरहाल मैं अपनी तरफ से तो यही कहूंगा कि हम किसी भी सीट पे बल्कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे गफलत नहीं बरत रहे, अपनी इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो भी अल्लाह की मर्जी।